आईपीएल 2024 का 18वां मुकाबला खेला जा रहा था राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बोले तो हैदराबाद के होम ग्राउंड पर फ्रेंड्स, और हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में यह मुकाबला खेला जा रहा था। हैदराबाद जैसे कि हम सबको पता है बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही है और गेंदबाजी भी इस बार उनके शानदार है। लग रहे हैं कि इस बार आईपीएल जीत सकती है, जो कि चेन्नई सुपर किंग 5 बार की विजेता है और हैदराबाद के साथ उनका पहला मुकाबला था फ्रेंड्स, और दोनों के बीच में यह मुकाबला बिल्कुल कांटे का था। चलिए मैच का पूरा विवरण जानते हैं। एसआरएच वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में यह मुकाबला 18वां मुकाबला था आईपीएल 2024 का, और बोले तो यह मुकाबला हैदराबाद के घर में खेला गया था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। इस मुकाबले में एसआरएच ने बोले तो हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग को 6 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई सुपर किंग जो कि टॉस हारकर पहली बल्लेबाजी करने उतरी, उन्होंने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 165 रन बनाए और उनके बल्लेबाजों की तरफ से अच्छी खासी रन नहीं बनाई गई इस बार। और इसके जवाब में बोले तो सनराइज हैदराबाद जिनके बल्लेबाज आते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, उन्होंने 18.1 ओवर में 166 रन बनाकर यह मैच अपने नाम कर लिया। और बोले तो 11 बॉल शेष रहते ही धोनी के हाथ से इस मैच को छीन करके अपने नाम कर लिया। सनराइज हैदराबाद की तरफ से जो भी बल्लेबाज आए हैं उन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और शानदार बैटिंग का नज़ारा देखने को मिला एसआरएच की तरफ से। 166 रनों का प्लस का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद को अभिषेक शर्मा ने तूफानी शुरुआत दिलाई। उसके बाद बोले तो अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों में मात्र 37 रन ठोक डाले। उसके बाद 24 गेंदों में ट्रेविस हेड ने 31 रन बनाए। एडम मार्किम की बात करें तो उन्होंने 36 गेंदों में 8 शतकीय पारी खेली और 50 रन ठोक डाले। सजाब अहमद की हम लोग बात करें तो उन्होंने 19 गेंदों में 18 रन की पारी खेली। हेनरी क्लासन ने जो कि नबात रहे 19 गेंदों में, हेनरी क्लासन ने 10 और नीतीश ने 14 रन बनाकर नबात लौटे। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मोइन अली ने सबसे ज़्यादा 2 विकेट लिए और तीक्ष्णा और दीपक चहर की बात करें उन्होंने 1-1 विकेट लिए फ्रेंड्स। तो ये रहा पूरा मैच का विवरण फ्रेंड्स। तो आने वाले जो मैचेस हैं उनमें चेन्नई सुपर किंग की तरफ से कैसा परफॉर्मेंस रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और एसआरएच लग सक और सनराइज हैदराबाद की बात करें तो इस बार 2024 में लग रहे हैं कि आईपीएल टाइटल जीत सकती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।